और अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। सजा के बाद एबीपी न्यूज से बोला माफिया आतिक अहमद, अपहरण केस में मुझे फर्जी तरीके से फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। रमेश पाल हत्याकांड से मेरा या मेरे भाई का कोई लेना देना नहीं, एबीपी न्यूज पर बोला अतीक अहमद का भाई अशरफ, उमेश पाल की कई दुश्मन थे, मामले की सीबीआई जांच हो। उमेश पाल हत्याकांड में सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को लेकर साबरमती जेल के लिए पुलिस हुई रवाना, चित्रकूट में लगा काफिले पर पहला ब्रेक, मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रात 12 बजे बांदा पहुंचा अतीक का काफिला, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर थोड़ी देर के लिए रुकी गाड़ियां, बांदा से महोबा के लिए रवाना हो गई पुलिस टीम। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया अतीक अहमद आज शाम तक पहुंचेगा गुजरात के साबरमती जेल, फिलहाल राजस्थान से गुजर रहा है काफिला। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, प्रयागराज कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, अतीक के साथ दिनेश पासी सौलत हनीफ को भी उम्र कैद। सजा सुनने के बाद कोर्ट में अतीक अहमद हुआ भावुक, खुद को बताया निर्दोष, कहा मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, जज ने दिया जवाब, बोले सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला। अतीक अहमद पर फूटा वकीलों का गुस्सा, कोर्ट में अतीक और वकीलों में हुई धक्का मुक्की, अतीक के खिलाफ वकीलों ने की नारेबाजी, पेशी के दौरान भी वकीलों ने किया था हंगामा। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी, प्रयागराज कोर्ट ने 2005 के उमेश पाल किडनैपिंग मामले में दोषमुक्त किया, फैसले के बाद वापस बरेली जेल भेजा गया अशरफ। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक के बचाव में पेश किए गए 51 गवाह, अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाह अतीक पर पड़े भारी, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे अतीक के बचाव पेश हुए ज्यादातर गवाह। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा हमारी सरकार ने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ की पैरवी, इसलिए अतीक अहमद को हुई उम्रकैद की सजा, आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी। अतीक को पहली बार किसी अदालत ने ऐसी सजा सुनाई है, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, माफिया का आर्थिक साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा जांच करनी चाहिए कि जेल में रहते अतीक अहमद से बीजेपी के कौन कौन से नेता मिल रहे थे। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान, कोर्ट के फैसले का स्वागत, पहले अपराध में उमेश पाल के परिवार को मिला इंसाफ, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फैसले के बाद उमेश पाल की मां की कोर्ट से अपील, कहा अपहरण केस में न्याय मिला, मर्डर केस में अतीक को मिले फांसी, परिवार को है अतीक अहमद से खतरा। ऐसे गुंडे और माफिया पर कार्रवाई होती रहेगी, योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र सिंह का बयान, यूपी की पहचान है गुंडा, अपराध मुक्त और विकास। योगी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, योगी जी का बुलडोजर तब तक चलता रहेगा जब तक यूपी पूरी तरह से अपराध और माफियाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है योगी सरकार, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, मुख्यमंत्री जी ने अपराध को खत्म करने के लिए किया है काम। प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कोई भी अपराधी हो उसे सजा होनी ही चाहिए। पंजाब में ही अमृतपाल के छिपे होने की खबर, आधी रात तक चली पुलिस की कार्रवाई, होशियारपुर के मरणिया कला के खेतों में तलाशी अभियान, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 21 मार्च को दिल्ली में था अमृतपाल, सीसीटीवी फुटेज से नई तस्वीर आई सामने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की पुष्टि, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रुका था। अकाल तख्त के अल्टीमेटम पर भड़के भगवंत मान, बादल परिवार निजी स्वार्थों के लिए किया इस्तेमाल, अकाल तख्त ने अमृतपाल केस में पकड़े गए लोगों को छोड़ने को लेकर दिया है अल्टीमेटम। उधम सिंह नगर में खालिस्तानी कट्टरपंथी अमृतपाल और उसके साथियों के छिपे होने की संभावना, हाई अलर्ट पर पुलिस, सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राहुल की सदस्यता जाने के बाद फुल एक्शन में कांग्रेस, संसद में आज विपक्षी दलों की बैठक, आगे की रणनीति पर होगा विचार। लाल किले के पास राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मशाल जुलूस में हंगामा, कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, पुलिस ने कहा मशाल जुलूस की नहीं ली गई थी इजाजत। मशाल जुलूस रोकने के मुद्दे पर आज संसद में हो सकता है हंगामा, सांसद मणिकम टैगोर का बयान, संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, पुलिस के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे।
केसी वेणुगोपाल का बयान, शांति मार्च को रोका गया, लोकतंत्र की हत्या, पुलिस से हुई थी बात, फिर भी मशाल जुलूस को रोका गया। प्रदर्शन के दौरान जयराम रमेश, इमरान प्रतापगढ़ी और अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए, हिरासत में लिए गए लोगों को ले जा रही बस को रोकने की कोशिश, लगाया पुलिस पर मारपीट का आरोप। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या है, हमने मशालें जलाई, पुलिस ने बुझाने का काम किया, हम दिल की मशाल जलाएंगे, हर जुल्म से लड़ेंगे। लाल किले के सामने पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई बहस, कपड़े में आग लगाकर कार्यकर्ताओं ने मशाल बनाने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर नाराज। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर एक्शन में कांग्रेस, ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने की बनाई रणनीति, पार्टी आज से चलाएगी जय भारत सत्याग्रह अभियान। राहुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन, आज 31 शहरों में पीसी करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता। कांग्रेस नेता उदित राज के नेतृत्व में आज मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ मार्च, सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन, पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। सदस्यता खत्म होने के बाद 5 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल की पहली रैली, कोलार में जनसभा को करेंगे संबोधित, अप्रैल मई में होने वाला है चुनाव। प्रियंका वाड्रा का पीएम मोदी पर हमला, कहा जब दोस्त भय पीएम तो अब डर काहे का, वाह मोदी जी वाह, क्या दोस्ती निभा रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, आने वाले समय में राहुल गांधी की आवाज के साथ चलेगी जनता, सदन में उनकी आवाज दबा दी गई, जनता के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता। सावरकर पर बड़ा संग्राम, सावरकर के पुत्र रंजीत सावरकर की राहुल को चेतावनी, बोले माफी नहीं मांगी तो दर्ज कराएंगे FIR। उद्धव ठाकरे पर भी बरसे रंजीत सावरकर, कहा सावरकर के आदर्शों को मानने वाले उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने को नहीं बोला। कल से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना निकालेंगी सावरकर गौरव यात्रा, 6 अप्रैल तक चलेगी यात्रा, सावरकर के इतिहास को यात्रा के जरिए लोगों के बीच लेकर जाने की योजना। सावरकर मामले पर छिड़े सियासी संग्राम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, शिवसेना से मामला सुलझ गया है, शिवसेना हमारे साथ है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस ने सावरकर का सम्मान एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह किया, राहुल गांधी ने जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्य है, बीजेपी को आईना दिखाना हमारा मकसद। सांसद अवनीत राणा का उद्धव ठाकरे पर हमला, कहा उद्धव ठाकरे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उद्धव ठाकरे बताएं कि वो राहुल गांधी को भगवान मानते हैं या सावरकर को। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में आवासीय परिसर का किया उद्घाटन, जेपी नड्डा के साथ मिलकर की पूजा अर्चना, मजदूरों के साथ फोटो खिंचाए, विपक्ष पर साधा निशाना। मोदी ने कहा, कांग्रेस वो है जो मुझे जेल भेजना चाहती थी, अब मेरी कब्र खोदना चाहती है, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी जी आप रुकना मत। विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, का भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई, सारे विपक्षी अब एक मंच पर दिख रहे हैं, देश में पहली बार इस तरह भ्रष्टाचार पर वार हुआ है, नहीं रुकेगी कार्रवाई। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस शासन में बैंकों को लूटा गया, हमने लूटने वालों की संपत्ति जब्त की, आज पूरी दुनिया में बीजेपी की चर्चा हो रही है। जेपी नड्डा ने की मोदी की तारीफ, कहा मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, कोरोना काल के दौरान जो लड़ाई मोदी जी ने लड़ी वो लड़ाई दुनिया के किसी देश ने नहीं लड़ी। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में SCO देशों के NSA की बैठक, पाकिस्तान और चीन वर्चुअल तरीके से होंगे शामिल, सुबह 10:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में मीटिंग। ओबीसी के अपमान को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक आज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल, शाम 7:30 बजे संसद भवन NXE में होगा मंथन। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स, भरतपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ की बैठक, विरोध में समर्थन की अपील की, बैठक को लेकर जांच के आदेश जारी। आज यूपी में आरक्षण की लिस्ट होगी जारी, शाम 4 बजे सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। यूपी निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन जारी होने पर मंत्री AK शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को कहा शुक्रिया, बोले सही समय पर चुनाव करवाने के लिए हम तैयार, बिना ओबीसी का आरक्षण दिए चुनाव नहीं। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की, गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका।
मुंबई में इन्फ्लुएंजा वायरस के 76 मामले हुए दर्ज। मार्च महीने में H3N2 के 21 मरीज आए सामने। H1N1 के 55 केस हुए दर्ज। 14 मरीजों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुंबई में कोरोना के 135 नए केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 663 हुई। बीते 24 घंटे में 11 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। कुल 52 मरीज अस्पताल में करवा रहे हैं इलाज। गुजरात के सूरत में टैंकर के ब्रेक हुए फेल। कार को मारी टक्कर, दूर तक घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नेशनल हाईवे 48 की घटना। यूपी के सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा। दिल्ली यमुनोत्री एक्सप्रेसवे पर कार और बाइक की टक्कर, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। ओडिशा में INS चिल्का में भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच की हुई पासिंग आउट परेड। नौसेना चीफ हरिकुमार रहे मौजूद। अग्निपथ योजना के तहत शामिल किए गए हैं अग्निवीर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बर्फ हटाने के काम में लगा JCB ऑपरेटर अवलांच की चपेट में आया। तमिलनाडु से सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी। 62 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। श्रद्धालुओं में 9 बच्चे भी शामिल। घायलों का अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के हरदोई में कार और ऑटो की भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे ऑटो को मारी टक्कर, काफी दूर तक घिसटती गई कार। यूपी के आगरा में नवरात्र पर्व पर जेल का माहौल हुआ भक्तिमय। हिंदू कैदियों के साथ कुछ मुस्लिम कैदियों ने भी रखे व्रत। जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए की खास व्यवस्था। यूपी के गोरखपुर में ट्रेन के पहियों में लगी आग। सुरक्षा कर्मियों ने वक्त रहते आग बुझाई। बड़ा हजार टला गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेसवे की AC बोगी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। बिहार के आरा में 2 भाइयों का कमाल। इंटरनेट की मदद से पेट्रोल इंजन बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदला। कुछ घंटों में बाइक को बैटरी पर चलने वाली मशीन में बदलने का कारनामा। मिले कई ऑर्डर। बिहार के भागलपुर में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक। खेत में आग की वजह साफ नहीं हुई। खड़ी फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। यूपी के लखनऊ की बांस मंडी में लगी आग। रद्दी पेपर में लगी आग फैली। पास खड़ी कार और मोटरसाइकिल आग में जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्विमिंग के दौरान पानी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत। तीर्थम गांव में हुआ हादसा। कोलकाता में लापता 7 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद। पड़ोसी के घर में बोरे में मिला शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर पुलिस से मांगी रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद में सिर फिरे आशिक ने महिला को मारी गोली। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। महिला को फोन पर तंग करता था आरोपी। महिला के मिलने न आने पर मारी गोली। बिहार के हाजीपुर में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने 10 लाख की अवैध विदेशी शराब को किया जब्त। 92 पेटी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से कंटेनर में भरकर बिहार लाई गई थी शराब। बिहार के नवादा में रेलवे अधिकारी से 50 लाख की मांगी गई रंगदारी। तलैया जंक्शन पर लगाया धमकी भरा पोस्टर। बाबू और गेटमैन को गोली मारने की भी धमकी। बिहार के मोतिहारी में डॉक्टर से बदमाशों ने मांगी 2 करोड़ की रंगदारी। डॉक्टर ने पुलिस में दी शिकायत। क्लिनिक में मिली धमकी भरी चिट्ठी। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली में कार लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े। 6 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद। 2 फॉर्च्यून कार बरामद। कार लूट के बाद जम्मू कश्मीर ले जाई जाती थी गाड़ियां। यूपी के कुशीनगर में मर्डर केस के फरार आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 12 में से 8 आरोपी फरार। जमीनी विवाद में की थी एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आरोपियों के घर को तोड़ा गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। हत्या के बाद शव को जलाया। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने किया केस दर्ज। दोनों आरोपी बाप बेटे फरार। बिहार के सहरसा में सिविल कोर्ट परिसर में कैदी की गोली मारकर हत्या। पेशी पर आए कैदी को दिनदहाड़े गोली मारी। एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, बाकी बदमाश हुए फरार। यूपी के मेरठ में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने सुरंग खोदकर की चोरी। लाखों के गहने ले उड़े चोर। व्यापारियों ने मौके पर पहुंची पुलिस का किया विरोध। चोरी की घटनाओं पर जताई नाराजगी। यूपी के मेरठ में BSP नेता याकूब कुरैशी की 17 बीघा जमीन कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। याकूब कुरैशी के परिवार की अवैध संपत्ति पर पुलिस का एक्शन। 32 लग्जरी गाड़ियां भी होंगी जब्त।
यूपी के बुलंदशहर में माता पिता की हत्या की आरोपी बेटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग बेटी ने दूध में नशे की गोलियां खिलाकर माँ बाप को किया बेहोश, कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। पांच बार के आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान रोहित शर्मा सीजन के कई सारे मैच में बाहर बैठ सकते हैं। रोहित की जगह सूर्य कुमार यादव संभालेंगे मुंबई की कमान। मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने आने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। दो बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन के लिए नीतीश राणा को अंतरिम कप्तान बनाया है। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर पीठ की चोट के कारण आईपीएल के पहले चरण से बाहर रहेंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा बढ़कर 30 जून हुई। केंद्र सरकार ने 3 महीने बढ़ाई समय सीमा, करदाताओं को इनकम टैक्स जमा करने के लिए मिला समय। अब पीएफ में जमा रकम पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, ईपीएफ ने बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में मामूली बढ़त कर 8.15% किया गया।